Hello everyone, good afternoon. So the first viewer is Deepika. Hi Deepika, how are you? Hello everyone, I'm so sorry, मैं थोड़ा सा लेट हो गई उसके लिए, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था. हेलो हेलो रुबीना, हाय, हाउ आर यू गाइस, कैसे हो आप सब एंड कैसा चल रहा है आपका पीके 15 डेज मेकअप चैलेंज. हाय आलिया जी, हाउ आर यू. हाय नीतू, हाय हाय टू एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून, होप यू ऑल डूइंग गुड. सो आज का लाइव सेशन बहुत ज्यादा 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 एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है बिकॉज यू कैन सी टुडेज मॉडल. आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं. हेलो, हाय टू एवरीवन एंड प्लीज डू शेयर द लाइव सेशन गाइस ताकि सभी लोग घर बैठे अच्छे से मेकअप सीख सके. सो विदाउट गेटिंग लेट शुरू करते हैं हम आज का मेकअप लुक. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या सीखने वाले हैं. सो एज यू कैन सी टूडे वी हैव प्रॉब्लमेटिक स्किन, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक स्किन है और साथ ही में आजकल मेकअप में डिमांड ये होती है कि हमें चाहिए बहुत ही नेचुरल मेकअप, हमें हमारी ब्राइड्स को चाहिए होता है. आईज में भी उनकी डिमांड होती है कि नहीं, आई मेकअप भी हमें ज्यादा नहीं चाहिए, नॉर्मल ही चाहिए. तो जब इस तरीके का प्रॉब्लमेटिक स्किन आता है तो नेचुरल मेकअप करना एक टास्क होता है कि प्रॉब्लम होती है कि हमें कंसीलर भी लगाना पड़ेगा, देन हमें फाउंडेशन का भी लेयरिंग करना पड़ेगा, तो फिर वो मेकअप नेचुरल में कैसे काउंट होगा. तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है टू ऑल द बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट. लव फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच. सो आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज आपका ये जो इंक्वायरी है नेचुरल मेकअप वाला वो सॉल्व हो जाए कि प्रॉब्लमेटिक स्किन पे नेचुरल मेकअप कैसे करें. जब बात आती है क्लियर स्किन की तो हम आराम से कर सकते हैं, बट जब पोर्स हो, थोड़े से एक्ने स्कार्स हो, मार्क्स हो, तो हम किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं नेचुरल मेकअप करके, वो आज हम इस सेशन में सीखेंगे. ओके, हेलो, चलो. सो आई विल स्टार्ट विद द फेस क्लिंजिंग. तो क्लींजिंग के लिए मैं एक नॉर्मल सा वेट वाइप यूज कर रही हूँ. आज बहुत ही मैजिकल लाइव सेशन होने वाला है. ये हमारा पीके 15 डेज मेकअप चैलेंज का आई थिंक 9th लुक है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आज है हमारा 9th लुक. सो मैं कर रही हूँ फेस को अच्छे से क्लीन. फेस अगर आपका अच्छे से क्लीन नहीं होगा या थोड़ा सा भी फाउंडेशन या काजल रह जाएगा तो आपका मेकअप ग्रे पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है. अब फेस को क्लीन करने के बाद मैं टोनर यूज करने वाली हूँ. आप कोई भी टोनर यूज कर सकते हो, रोज वाटर या एनीथिंग. मैं हल्का सा रोज वाटर कॉटन पैड पे ले रही हूँ और अप्लाई करूंगी डायरेक्टली ऑन द फेस. मैं ले रही हूँ थोड़ा सा रोज वाटर और मैं डायरेक्टली उसे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि रोज वाटर से किसी को एलर्जी भी नहीं होगी और ये सभी स्किन के लिए सूटेबल है, तो सबसे बेस्ट है रोज वाटर अप्लाई करना. एंड जितने भी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, प्लीज जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए सेशन में. लव यू, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच. फिर हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे. अब आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आज का जो स्किन टाइप है वो काफी ज्यादा ऑयली है, तो जब ऐसा ऑयली स्किन टाइप आपके पास आए तो जितना कम क्वांटिटी में आपको मॉइस्चराइजर लगाओगे उतना आपको बेहतर रहेगा. मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एम्ब्रोलिस मॉइस्चराइजर इन अ वेरी वेरी लेस क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में यूज करूंगी. आप लोग देखो जस्ट दिस मच, बिकॉज इनको ऑयली स्किन के साथ साथ स्वेटिंग का भी बहुत प्रॉब्लम है, तो मुझे वो भी देख के चलना होगा. क्योंकि जब भी हमारी स्किन बहुत ज्यादा स्वेटी होती है और हम बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं तो स्वेट और ज्यादा आने लगता है और फिर वो हमारे मॉइस्चराइजर के साथ मिलकर हमारे मेकअप को पैची लुक देता है. सो लगाना है बट एकदम कम क्वांटिटी में.
मैम ये डे 9 का लुक आप सिखा रहे हो? यस, आज है हमारा डे 9 ऑफ पीके 15 डेज मेकअप चैलेंज। बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हो, बहुत 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 ज्यादा अच्छा। और सबसे अच्छी बात क्या हुई पता है, जो जो कभी रील्स नहीं डाली, जिन्होंने कभी स्टोरी नहीं डाली, अब वो सब लोग करने लग गए हैं। और आपने जब रील्स डालनी अपलोड की होगी तो आपके फॉलोअर्स भी आए होंगे, आपको लाइक्स भी आई होगी। तो बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप काम करोगे, खुद पे काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपके ऑर्डर्स तो आएंगे ही, आपके पास फॉलोअर्स भी आएंगे, आपके पास लाइक्स भी आएंगे। जब तक काम नहीं करोगे तब तक कैसे आएंगे? सो ये चैलेंज सिर्फ विनर बनने के लिए नहीं है, ये चैलेंज एक ऐसा मौका आपको दे रहा है कि आप अपने आप में और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हो। मॉइस्चराइजर लगा के मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूं। अब क्योंकि पोर्स वाली स्किन है तो मैं यूज कर रही हूं टार्ट का पोर प्राइमर। आप कोई भी ब्रांड का पोर प्राइमर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टार्ट का पोर प्राइमर यूज कर रही हूं क्योंकि ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आप लोग कोई भी अदर ब्रांड यूज कर सकते हैं। यस, रील डालना मुश्किल था, बिल्कुल बिल्कुल। और काफी लोगों ने तो लिटरली वॉइस ओवर में वीडियोस बनाई है कि हाय ये है डे 8 और ये है हमारा डे 7 का मेकअप लुक, ये हमारा डे 6 का मेकअप लुक। और वो देख के मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि ऐसा कभी उन्होंने अपनी प्रोफाइल पे कंटेंट नहीं डाला था। तो बहुत अच्छे अच्छे आप लोग सब वीडियोस बना रहे हो, स्टोरीज रोज अपडेट कर रहे हो और आप लोगों को तो मजा आ ही रहा होगा आई एम श्योर। प्रैक्टिस करने में किसे मजा नहीं आता? सब पूछ रहे हैं आप कैसे हो मैम। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। ये कौन सा मॉइस्चराइजर आप लगा रहे हो? मॉइस्चराइजर मैंने कौन सा लगाया? मैंने बताया, बताओ कौन सा लगाया? जो देख रहे हैं मुझे, स्टार्टिंग से देख रहे हैं, वो बताओ हमने कौन सा मॉइस्चराइजर आज लगाया। अभी तो मैं पोर प्राइमर लगा रही हूँ, जहां पे पोर्स ज्यादा है बस वहां वहां पे। पोर्स देखो कहीं पे भी हो सकते हैं, चीक्स पे, नोज वाले एरिया पे, चिन वाले एरिया पे, तो अच्छे से सभी जगह पे अप्लाई करना है। मैं नहीं डालती थी वीडियो मैम, मैंने डालना स्टार्ट किया और मुझे मेकअप के ऑर्डर भी मिले करवा चौथ पे और मैंने 3 लोगों को मेकअप किए आपकी वजह से। थैंक यू सो मच मैम। दैट्स ऑल। और इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस की तो काम मिला। तो ये चैलेंज सिर्फ इसीलिए नहीं है कि आप लोग जीतो या आप ये जीतने के लिए करोगे तो कुछ नहीं होगा, बट आप ये सोच के करो कि यार 15 डेज में प्रैक्टिस कितनी हो जाएगी। पोर प्राइमर लगाने के बाद बाकी का जो एरिया बचा है वहां पे आपको लगाना है नॉर्मल प्राइमर। नॉर्मल प्राइमर मैं यूज कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो ब्रांड का। मैं हल्का सा प्राइमर ले रही हूँ, बहुत हल्का, जहां पे मैंने पोर प्राइमर नहीं लगाया बस वहीं वहीं पे मैं ये प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। बिकॉज पोर प्राइमर हमने कहाँ लगाया है, जहां पे बहुत ज्यादा पोर्स की प्रॉब्लम थी बस वहीं पे। बाकी पूरे फेस पे अगर आप प्राइमर नहीं लगाओगे तो हो सकता है फेस के साइड्स से हमारा बेस मेकअप खराब हो जाए या कुछ भी हो सकता है, राइट? मेकअप में छोटी से छोटी गलती से भी हमारा मेकअप खराब होने लगता है। तो विदाउट एनी मिस्टेक, अच्छे से सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग मेकअप करिए। मैम एम्ब्रोलिस मॉइस्चराइजर हम सभी स्किन पे यूज कर सकते हैं? यस, एम्ब्रोलिस इज गुड फॉर ऑल स्किन टाइप। अब हम करेंगे थोड़ा सा कंसीलिंग। मैं थोड़ा सा कंसीलिंग करने वाली हूँ, बहुत हल्का सा, नॉट मच। इट इज नेसेसरी टू यूज प्राइमर बिफोर बीबी क्रीम? नो इट्स नॉट, यू आर राइट। रोज प्रैक्टिस करने से मेरे मेकअप में डे बाय डे चेंज आ रही है। यस, वेरी गुड। आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं जो भी आपके स्किन पे सूटेबल हो वो। मैं यूज कर रही हूँ क्राइलॉन सुप्रा का FS 26। मैं यूज कर रही हूँ क्राइलॉन सुप्रा का FS 26। इसे मैं हल्का सा पैलेट पे निकाल लूंगी क्योंकि मैं डायरेक्टली नहीं लगा रही, हल्का सा पैलेट पे निकाल लेती हूँ। जितनी आपको जरूरत है आप उतना पैलेट पे निकाल लीजिए। मैम
मैम हमें भी आपके ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, कैसे करें? गाइज, ऑनलाइन क्लास के लिए मैं एक नंबर पिन कर रही हूँ, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ से आपको हमारी ऑनलाइन क्लास जो 5 और 6 नवंबर को है, यानी कि 2 दिन बाद ही है, उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। मैं अभी नंबर पिन कर देती हूँ, वहां से आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं हल्का सा कंसीलिंग दे रही हूँ, क्योंकि जो फेस पे डार्कनेस है वो कवर हो जाए अच्छे से। थोड़ा सा प्रोडक्ट और बढ़ाऊंगी। मैम इन्होंने जो लेंस पहने हैं वो कौन से हैं? लेंसेस फ्रॉम स्वीट लेंस। स्वीट लेंस मैं अप्लाई कर रही हूँ। फिर कंसीलर से ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से पूरा मेकअप हो जाए, कि मुझे ज्यादा लेयरिंग ना करना पड़े। और मैं क्रीम कंसीलर इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि क्रीम कंसीलर बहुत अच्छे से ब्लेंड होते हैं और बहुत हैवी नहीं लगते फेस पे, और खासकर सुपरा तो हैवी लगता ही नहीं है, तो इस वजह से मैं ये यूज कर रही हूँ। मैम ऑरेंज कलर आपने यूज नहीं किया डार्क एरिया को कवर करने के लिए? नहीं, जरूरत नहीं है, हमारा कंसीलर अच्छे से कर लेगा। बिकॉज मेरा मेन मोटो ये भी है कि बहुत ज्यादा लेयरिंग भी नहीं करना है मुझे, बहुत ज्यादा लेयरिंग भी नहीं करना है। सेम अच्छे से पहले ऑल ओवर दी फेस आपको ये अप्लाई कर देना है प्रोडक्ट मेरे तरफ। अगर आपको हमारे प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की क्लास के बारे में जानना है या हमारी ऑनलाइन क्लास के बारे में जानना है, तो पिन किए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो, आपको सारी ही डिटेल वहाँ मिल जाएगी। यस, प्रोफेशनल कोर्स के बारे में मैं एक चीज आप सभी को बताना चाहूंगी, हमारा क्रैश कोर्स आने जा रहा है, वो भी बस एक आखिरी बार, इसके बाद कभी भी क्रैश कोर्स वापस नहीं आएगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्रैश कोर्स मतलब होता क्या है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि पूरे साल में ना, साल के एक महीने हमारी फीस सबसे ज्यादा कम होती है, और वो महीना होता है दिसंबर। सो दिसंबर में हमारा क्रैश कोर्स आ रहा है 13 से 23 दिसंबर, 11 दिन का, और ये कोर्स फिर वापस कभी भी नहीं आएगा। सो ये कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन अभी शुरू है, जिन्हें भी इंक्वायरी चाहिए मैं थोड़ी देर में आपको इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल भी दूंगी, तो थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए। वेल, इनका आई मेकअप जब आप देखोगे, तो क्योंकि वैसा आई मेकअप मैंने अभी तक तो एक भी बार नहीं किया है जो मैं आज करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर द आई मेकअप। अब मैं बेस को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर। जस्ट डैब डैब, यस डियर, हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है वो भी होने वाला है, 5 और 6 नवंबर को होने वाला है, उसकी सारी डिटेल्स आपको हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। उसमें क्या सिखाने वाले हैं हम आपको वो भी बता देंगे, ब्राइडल मेकअप सिखाएंगे, एजिंग स्किन पे मेकअप कैसे करते हैं वो भी सिखाएंगे। ऑनलाइन क्लास के लिए गाइस प्लीज आप नीचे मेंशन किए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको वहां से सारी डिटेल मिल जाएगी। हेलो मैम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू मैम दैट यू आर नॉट ऑल्सो टीचिंग स्टूडेंट बट हेल्पिंग देम टू प्रैक्टिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम प्राउड टू बी योर स्टूडेंट। नमिता जी, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और ये लुक आपका day 8 का लुक है, ये लुक आपको क्रिएट करना है आज day 9। ये स्पंज कौन सी कंपनी का है? दिस इज नो ब्रांड, मैं सभी लाइव सेशन में बोलती हूँ, इसका कोई ब्रांड नहीं है। मैम ने कोई सीरम यूज नहीं किया अभी, सब कुछ आपके सामने तो लगा है। सो मैं अच्छे से ब्लेंड, जितना अच्छा ब्लेंड करोगे उतना नेचुरल इफेक्ट आएगा फेस पे। सो ब्लेंडिंग इज समथिंग विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एक बहुत ही अच्छा हमें कवरेज मिल गया है day 9। यस, दिस इज day 9। ब्लेंड इट, मैम कौन सी कंपनी का ब्लेंडर सबसे अच्छा आता है?
सभी अच्छे आते हैं, ब्लेंडर्स में क्या है, बस आप सही समझ होनी चाहिए आपको ब्लेंडर कौन सा बाय करना है वो। अब इसके बाद मैं हल्का सा फेस हाइलाइटिंग करूंगी, बहुत नॉर्मल सा। फेस हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ ओजी का फाउंडेशन नंबर मीडियम 5। फेस हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ ओजी का फाउंडेशन नंबर मीडियम 5। मॉडल नेम प्लीज, आरती राजपूत है ये? हाँ जी, ये आरती राजपूत जी है। स्किन इतना ग्लो कर रहा है इसलिए पूछ रही हूँ कि आपने सीरम लगाया क्या कुछ? स्किन ग्लो इसलिए कर रहा है बिकॉज हमने स्किन पे बहुत अच्छा किया है, सब कुछ तो आपके सामने कर रही हूँ। मैम का व्हाट्सएप नंबर हमने पिन किया हुआ है गाइस, हल्का सा मीडियम 5 ले लेते हैं। वेल गाइस, हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस होती है उसमें हम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लमेटिक स्किन पे कैसे काम किया जाता है वो भी इन डिटेल समझाते हैं, बिकॉज जो क्लाइंट होते हैं वो सब अलग अलग स्किन वाले आते हैं, राइट? सो हमारे ऑफलाइन क्लास में सभी तरीके के टॉपिक्स कवर होते हैं, बेसिक टू एडवांस मेकअप, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल, प्रॉपर ए टू जेड स्किन का नॉलेज जितना एक मेकअप आर्टिस्ट को होना चाहिए, और साथ ही सेलिब्रिटी मेकअप जो खुद सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट आके सिखाएंगे, जो है सचिन सालवी सर, वो आपको सेलिब्रिटी मेकअप की पूरी जानकारी देंगे कि अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो आप कैसे कर सकते हो, वो सारी कुछ चीजें। साथ ही हमारा ऑफलाइन क्लास में कवर होता है सोशल मीडिया का नॉलेज, जो कवर करेगा कि इंस्टाग्राम पे आप कैसे अपने काम को बता सकते हो, कैसे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो, क्या कॉन्टेंट आपको पोस्ट करना चाहिए, देन यूट्यूब पे किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो, यूट्यूब के क्या टर्म्स कंडीशंस है वो सब कुछ, व्हाट्सएप पे आप कैसे अपना डेटाबेस जनरेट कर सकते हो, कैसे डेटाबेस को क्लियर रख सकते हो, और फेसबुक, ये बहुत ही डिटेल हम पढ़ेंगे, और कंप्लीट बिजनेस नॉलेज, यानी कि अगर आपको फ्यूचर में स्टूडियो या सलोन या एकेडमी ओपन करनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, स्टाफ किस तरीके का आपको रखना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है बिजनेस शुरू करते समय, ये सारी चीजें भी इस कोर्स में इंक्लूडेड है। तो बेसिकली दिस कोर्स इज यू नो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए टू ज्वाइन, बिकॉज इस कोर्स की फीस भी काफी अच्छी है क्योंकि क्रैश कोर्स है, जो अब ये लास्ट टाइम है, काफी कम स्लॉट्स बचे हैं क्रैश कोर्स के, तो प्लीज अगर आप इंटरेस्टेड है तो नंबर पे आप कॉल या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैम ये कौन सा ब्रश है जो अभी आपने यूज किया? नॉर्मल, इट्स कैरेक्टर कॉस्मेटिक ब्रश है, ये नॉर्मल, आप कोई भी फ्लैट ब्रश यूज कर सकते हो। अब मैं इसे कर दूंगी अच्छे से ब्लेंड। आपका नंबर भेजो ना, लिखो मेरा नंबर 7228996655। फीस के लिए जो भी पूछ रहे हैं तो आपको नीचे जो नंबर पिन किए गए हैं, जो कशिश मैम बता रहे हैं अभी, आपको बोल लीजिए आप नंबर जी। एक्चुअली फीस नहीं बताने का रीजन ये है कि डायरेक्टली फीस जानने से अच्छा पहले ये जरूरी है कि आप लोग सीखोगे क्या। देखो ज्यादा जरूरी क्या है, फीस से ज्यादा जरूरी ये है कि आपको जो नॉलेज मिलने वाली है वो सही है, क्या सिखाया जाएगा, कैसे सारी चीजें होगी, वो जानने के बाद आपको हमारी टीम से फीस की डिटेल्स मिलेगी। तो फीस की डिटेल्स जानने के लिए एक बार या तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दीजिए या तो हमें कॉल लगा लीजिए, तो आपको डायरेक्टली हमारी तरफ से आंसर आ जाएगा। एंड अगर किसी का कॉल हमारे साइड से मिस हुआ तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बिकॉज कभी कभी कॉल्स बहुत ज्यादा होते हैं तो कोई ना कोई कॉल मिस हो जाता है। सो प्लीज आपकी इंक्वायरी हमारे व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दीजिए। नंबर है हमारा 7228996655। मुंबई में कहाँ पे होगा? मुंबई में होने वाला है लेवल्स रिसोर्ट। आप लोग 11 दिन हमारे साथ ही रहने वाले हो लेवल्स रिसोर्ट में। तो ये 11 दिन का जो कोर्स है ना, उसमें आपका फूड और स्टे सब कुछ हमारे साथ ही होगा। मैम ये ओजी का फाउंडेशन ऑल स्किन टाइप है? यस, ये ऑल स्किन टाइप है। और ये कहाँ मिलेगा अगर हमें खरीदना हो तो? ये खरीदना है तो मैं आपको लाइव खत्म होने के बाद एक लिंक पोस्ट करूंगी, वहां से आपको मिलेगा। अब हम करेंगे कॉन्टोर। कॉन्टोर के लिए मैं यूज कर रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे कि ये 9 लुक है क्या, मतलब आज का लुक? हाँ, है क्या? आज है डे 9 ऑफ पीके 15 डेज मेकअप चैलेंज। मैं यूज कर रही हूँ फेंटी ब्यूटी का स्टिक नंबर 3। मैं डायरेक्टली यूज नहीं करूंगी, पैलेट पे ले रही हूँ।
चेंज द ब्रश। सोनिया जी नंबर है 7228996655। नीचे पिन भी क्या होगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ये नंबर आपके पास आ जाएंगे। आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो कशिश मैम उसका एक लिंक जो है वो उनकी स्टोरी पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से परचेज कर सकते हो। कशिश मैम सूरत गुजरात से है लेकिन उनकी जो क्लासेस होती है मुंबई और सूरत दोनों जगह अवेलेबल होती है। यस मैं सूरत से हूँ एवरीवन, मैं सूरत से हूँ। सो मैंने लाइट सा नोज कॉन्टोर किया है और इसे करूंगी मैं ब्लेंड। एंड ऑनलाइन क्लास के लिए जो भी पूछ रहे आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर जिन्होंने भी ऑनलाइन क्लास में नहीं किया हो दिवाली का। आज यूट्यूब पर नहीं आए मैम आप? या बिकॉज बहुत टेक्निकल इश्यूज बहुत ज्यादा है, नजर लग गई हमारे यूट्यूब लाइव को, बहुत ज्यादा टेक्निकल इश्यू हुआ है आज जिस वजह से हम लोग लेट हुए लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे। सही बात ये है लास्ट मोमेंट पे हमारा वाईफाई अचानक से पता नहीं क्या हो गया, उसको भगवान ही जानता है। हाँ दीपा जी सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, कशिश में मैं एक लिंक जो डालेंगे इसमें, उसमें आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। थैंक यू मैम, आपकी चैलेंज की वजह से हम रोज रोज न्यू पोस्ट डाल रहे हैं और हमें प्रैक्टिस करने को मिल रहा है और पर्सनली हमें बहुत सारे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं उसकी वजह से और इंक्वायरी भी जनरेट हो रही है, तो ऑल थैंक्स टू यू। चैलेंज तो एक बड़ी चीज है आपके लिए, एक और स्पेशल चीज भी है आपके लिए जो मैं अभी रिवील नहीं कर सकती, जैसे जैसे चैलेंज हमारा खत्म होने लगेगा ना तभी मैं रिवील करूंगी जो स्पेशल चीज की मैं बात कर रही हूँ, अभी रिवील नहीं करूंगी। बहुत सुंदर है आज के मॉडल, थैंक यू सो मच। हेलो हम हल्का हल्का कॉन्टोर करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, बहुत कम कम। गाइस जो भी प्रोडक्ट की प्राइस पूछ रहे हैं मुझे तो नहीं पता है कि क्या प्राइस है, आप नीचे जो कशिश में लिंक देंगे आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लीजिए। लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम राजस्थान। सो चीक्स पे हमने किया कॉन्टोर, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ओजी का ब्रॉन्जर अप्लाई कर रही हूँ कॉन्टोर को डार्क करने के लिए, हल्का कॉन्टोर हम डार्क कर रहे हैं। मैम रात को नींद नहीं आएगी अगर आपने अभी वो बात नहीं बताई तो। मैं अभी बता ही नहीं सकती। मैम आई एम फ्रॉम चेन्नई एंड थैंक्स फॉर मेकअप चैलेंज, मैं भी ये कर रही हूँ। दैट्स सो ग्रेट, कीप डूइंग इट। शनाया खान से हाय। हाय शनाया, लव फ्रॉम बांग्लादेश, थैंक यू सो मच। मैम फाइन लाइन्स आ जाते हैं आफ्टर मेकअप, उसके लिए क्या कोई टिप्स है आपके पास? बिल्कुल टिप्स है लेकिन वो टिप्स आपको यूट्यूब पे मिलेगी, सो जाइए यूट्यूब चैनल पूरा आरएनडी कर लीजिए, आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मेकअप पीके मींस क्या? आप नए हो मेरी चैनल पे, इसका मतलब अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो आप मतलब नए हो। खुशी दी ने हार्ट भेजे, हाय खुशी दी। मैंने बिल्कुल भी फेयर मेकअप नहीं किया है। आपको पर्सनली फेयर मेकअप पसंद है कि नेचुरल? जो मेरा स्किन टोन है वो ही देखो सी। सो जब भी डस्की स्किन आता है ना तो प्लीज ऑलवेज कंफर्म कि वो क्या चाहते हैं उनके स्किन से, उसके बाद ही काम शुरू करिए। अब मैं यूज करी हूँ ब्लश, मैं यूज करी हूँ शाले चलबरी ब्लश ऑन पैलेट और उसमें से मैं ये पिंक शेड ले रही हूँ बिकॉज ये है ना बहुत नेचुरल लगता है ब्लश, इसलिए मुझे ये पसंद है। सुनाया बोल रही मैडम आप मुझे कब मेकअप करोगे? सुन कमिंग टू यू मैम, मुझे चैलेंज के बारे में नहीं पता था, क्या मैं अब मेकअप चैलेंज कम्प्लीट कर सकती हूँ? नो सॉरी डियर यू कैन नॉट, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मिस कर दिया, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरी प्रोफाइल चेक करते रहा करो, मेरी अपडेट्स देखते रहा करो। नहीं वो पूछ रहे थे कि पीके चैलेंज क्या है। हाँ तो पीके चैलेंज नहीं पता, बट आप बहुत लेट हो पीके चैलेंज के लिए क्योंकि अब आप पीके चैलेंज शुरू नहीं कर सकते बिकॉज आज हमारा ऑलरेडी पीके 15 डेज चैलेंज का 19वां दिन है, सॉरी 9वां दिन है। सो जो ब्लश ऑन आप डस्की स्किन पे यूज करोगे इट शुड बी डार्क पिंक,
अगर आप लाइट पिंक लगाओगे तो वो बहुत ज्यादा ओवर दिखेगा। मैम क्या हम एक ही ब्रश से पाउडर और क्रीम दोनों ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं करती हूँ, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको जमता है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का लूज पाउडर, जिसका शेड है बनाना ब्रेड। हुदा ब्यूटी लूज पाउडर एंड द शेड इज बनाना ब्रेड। कुछ ही दिन का यू आर माई फेवरेट, मुझे भी सिखा दो मेकअप दीदी कितना नेचुरल है। नहीं मैं आपको नहीं सिखाऊंगी, फिर आप मेरे पास नहीं आओगे मेकअप कराने। Exactly. एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, फिर ही मैं सिखाऊंगी मेकअप। सब लोग आपके 15 डेज चैलेंज की वजह से आपको बहुत बहुत थैंक यू कर रहे हैं। काफी बड़े बड़े कमेंट्स आ रहे हैं जो मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत बड़े हैं, और सब लोग आपको थैंक यू कह रहे हैं कि आपकी वजह से उन्हें क्लाइंट मिल रहे हैं। गाइस तो सेम चीज आपको भी मेरे लिए करनी है, आपको इस वीडियो को शेयर करनी है। जितने भी लोग मेरा 15 डेज मेकअप चैलेंज कर रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को शेयर करो। मेरा इंस्टाग्राम पे ना एकदम स्पैम हो जाए लाइक्स का, इतना ज्यादा शेयर कर दो। बहुत अच्छा हमारा आज का बेस मेकअप हुआ है। और जो भी कोई ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के बारे में पूछ रहा है, वो सभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या आप हमें कॉल भी कर सकते हो। हमारा नंबर है 7228996655। क्या लगाया आपने, बहुत ही ग्लो कर रहा है हमारे मॉडल नेचुरली, शी इज वेरी ग्लोइंग। अगर आप स्टार्ट से आते तो आपको पता होता मैंने क्या क्या लगाया, बट आप लेट आयो। लेट आने वालों के लिए ऑनलाइन में कुछ पनिशमेंट होनी चाहिए। मैंने तो एक दिन पहले ही बता दिया था कि मैं लाइव आने वाली हूँ। सॉरी मैं भी लेट आई उसके लिए, बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था टेक्निकली। सो हमने अच्छे से पूरे फेस पे, मैंने वैसे लूज पाउडर लगाया है बिकॉज मेरी तरफ अच्छे से बेस लॉक हो जाए उसके लिए। अच्छा क्या आप लोगों को पता है, मैं थोड़ा लूज पाउडर और बढ़ा रही हूँ। क्या आप लोग बता सकते हो कि अगर लूज पाउडर की जगह पे मैंने कॉम्पैक्ट से बेस को सेट किया होता तो क्या हमारा मेकअप सेट होता या नहीं होता? अब आप लोग मुझे ये सोच के बताओ। जितने भी मेकअप आर्टिस्ट है आप लोग सभी चैलेंज तो कर ही रहे हो, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर मैंने लूज पाउडर की जगह कॉम्पैक्ट लगाया होता तो मेरा बेस मेकअप सेट होता या नहीं? कई सारे लोग बोल रहे हैं मैम हम यूट्यूब पे आपका वेट कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि आप इंस्टा पे लाइव हो। आई एम सो सॉरी। मुझे आप सब जगह मुझे देखते रहा करो। बोल रहे हो जाता है मैम मैं करती हूँ, आधे लोग बोल रहे हैं हाँ, आधे लोग बोल रहे हैं ना। It is compulsory to use loose powder and compact. It is. Yes, it is. एकदम compulsory वाला compulsory. अब मैं eyebrows define करने वाली हूँ because हम शुरू करने वाले हैं आज का eye makeup. Flawless base. Thank you so much. मैं आरती पे पहली बार मेकअप कर रही हूँ, और अब जब नेक्स्ट टाइम मैं इन पे जब लाइव सेशन करूंगी तो इससे और ज्यादा बेस्ट होगा बिकॉज नाउ आई नो इनका स्किन टेक्सचर वगैरह सब कुछ। से कभी कभी ब्राइडल्स हम करते हैं तो ब्राइडल के 2 से 3 मेकअप होते हैं, तो पता है कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट मेकअप थोड़ा सा एवरेज होता है लेकिन बाद के सारे मेकअप बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट मेकअप में हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा ऐसा स्किन है, अगर ये प्रोडक्ट लगाएंगे तो ऐसा रिएक्ट करेगा, तो फर्स्ट मेकअप थोड़ा 19-20 होता है लेकिन उसके बाद के सारे मेकअप बहुत अच्छे होते हैं। और उसका रीजन ये है कि नाउ यू नो द स्किन वेरी वेल। मेकअप इज ऑल अबाउट कि आप क्लाइंट के स्किन को अच्छे से समझे। मैम मेरी 15 डेज चैलेंज में एंट्री तो नहीं होगी लेकिन फिर भी मैं आपके मेकअप अब आज से रोज डेली ट्राई करके अपलोड करूंगी और आपको शेयर करूंगी। गाइज अगर आप चाहते हैं कि ये चैलेंज आगे भी कंटिन्यू रहे तो सेंड मी लॉट्स ऑफ रेड हार्ट्स। अगर आप
चाहते हैं कि ये चैलेंज हम आगे भी कंटिन्यू करें तो सेंड मी लॉट्स ऑफ रेड हार्ट। आपकी आज के मॉडल मेरी दीदी की तरह है। आप आईब्रो पे क्या यूज कर रहे हैं? मैं यूज कर रही हूँ एनास्टेशिया का पोमेड शेड है डार्क ब्राउन। मैं इनकी नेचुरल शेप से छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ, जो इनका नेचुरल शेप है वही रहने दे रही हूँ। एकदम क्योंकि कभी कभी क्या होता है नेचुरल शेप से हम अगर एक्स्ट्रा आईब्रो डिफाइन करते हैं तो क्लाइंट्स को वो पसंद नहीं आता है। सो प्लीज आप कोई भी जितने भी फ्रेशर मेकअप आर्टिस्ट है, देखो स्टार्टिंग में थोड़े बहुत आपको बैड एक्सपीरियंस होंगे क्लाइंट को लेके, बिकॉज हमें क्लाइंट डीलिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता है। इसी के लिए हम लोग ऑफलाइन क्लास में क्लाइंट डीलिंग का भी टॉपिक क्लियर करते हैं, प्राइस लिस्ट आपको क्या रखनी चाहिए, कौन से मेकअप का कितना चार्ज रखना चाहिए, हेयर स्टाइल का कितना चार्ज ले सकते हो, ये सारी चीजों के लिए ना हम हमारे स्टूडेंट्स को पहले ही प्रिपेयर कर देते हैं। क्योंकि सी बिजनेस इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन, अगर आप कभी बिजनेस फील्ड में आ गए तो अप एंड डाउन तो होने वाली है, लेकिन गिव अप करने की बजाय आपको हम पहले से ही प्रिपेयर कर देते हैं कि देखो ये चीज है ये होने वाली है, तो जब आपको पता है वो चीज होने वाली है तो आप प्रिपेयर रहोगे पहले से। बहुत सारे लोगों ने रेड हार्ट भेजे और वो भी बहुत सारे भेजे। ओह माय गॉड, थैंक यू गाइस। एक बार मॉडल से बुलाओ ना ओ मुमुड़ी। आप बोलते हो क्या ऐसा? हाँ मेरा रील चलता है ना वो मम्मी पे। चलो एक बार बोलो ना। हाँ बोलो, सच में बोलो। अभी सब बोल रहे ऑडियंस तो आपको बात तो मालूम, काफी सारे लोग आपको जानते हैं। ए मम्मी। सभी लोग इनका प्रोफाइल जाके जरूर चेक करिएगा, आरती राजपूत। काफी रेड हार्ट और बट सब लोग बोल रहे हैं मैम प्लीज दिवाली के बाद आगे का चैलेंज रखना। नहीं अच्छा मुझे एक बात बताओ, चैलेंज का मतलब हिंदी में क्या होता है? मुझे बताओ चैलेंज का मतलब क्या होता है, क्या कोई जानता है आप में से? हाँ देखते कौन राइट आंसर देता है। कशिश मैम ने आप सभी को एक क्वेश्चन पूछा है कि चैलेंज का मतलब क्या होता है, ठीक है देखते कौन राइट आंसर देता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी आंसर दीजिए। गूगल मत करना गाइस, ईमानदारी दिखाना। चैलेंज का मतलब क्या है दिल से बताओ, चलो हिंदी में मत बताओ पर आपके हिसाब से चैलेंज का मतलब क्या है वो बताओ बस। तब तक मैं थोड़ा हाइलाइटर लगा देती हूँ जो कि ओजो का है। ओजो वेरी 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 गुड ब्रांड, वेरी अफोर्डेबल ब्रांड। मैं ना मिक्स ब्रांड यूज करती हूँ, मेरे पास सब अफोर्डेबल भी है, मेरे पास सारे हाई एंड भी है। चुनौती देना वाह वाह वाह। अब मुझे बताओ चुनौती ऐसी टाइम पे हमें मिलती है जब हमें नहीं करनी होती ना, तभी हमें चुनौतियां मिलती है। अब देखो एग्जाम्स किसको पसंद होती है मुझे बताओ, यानी टॉपर को छोड़ के, मेरे जैसे को छोड़ के बाकी एग्जाम किसको पसंद होती है? मुश्किल में भी जीतने की कोशिश करना। तो फिर अब चैलेंज इजी कैसे हो सकता है? अब मैंने चैलेंज अगर हमने कुछ सोचा है तो कुछ सोच समझ के सोचा होगा राइट। एक कदम कामयाबी की ओर। ओहो वेरी नाइस। अपने अंदर के हुनर को बाहर लाना। अभी मौका है, अपने हुनर को बाहर लाइए, अच्छे से काम करिए। ये चैलेंज हो सकता है कि ये चैलेंज के माध्यम से आपकी प्रोफाइल या आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए, फिर तो मुझे भूल ही जाओगे ना। चैलेंज का मतलब ये होता है कि कोई चैलेंज देता है तो हम उसी टाइम पे उनको पूरा करके बताए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूरा करती पर मैं सलोन के काम में बिजी हो गई। मैं सच में आपको एक बात बताती हूँ, आज हमारा लाइव सेशन था, इतना ज्यादा टेक्निकल इश्यू आया। आप सभी को बताया कि हमारा मेकअप स्टूडियो है, इंस्टीट्यूट है और सलोन भी है राइट। सभी लोग इस बात को जानते ही होंगे कि हमारे तीन सेगमेंट है अलग अलग। हमारे मेकअप स्टूडियो जो है वो अलग जगह पे है, मतलब सेम कॉम्प्लेक्स में अलग जगह पे है, तो वहां पे वाईफाई का कुछ तो क्रैश हो गया, तो हमने सलोन पे ये लाइव सेशन अभी हमारे सलोन से कर रहे हैं। सारे क्लाइंट के अपॉइंटमेंट कैंसिल करके हम ये लाइव सेशन कर रहे हैं।
तो देखो हमारी लाइफ में सिचुएशन बहुत आएगी, हैंडल करना किस तरीके से वो आपके हाथ में, डिपेंड ये करता है कि आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। मैम आपको कैसे भूल सकते हैं, हम आपसे तो बहुत कुछ सीखा है हमने। दिवाली का सीजन है, आप लोग भी सोच सकते हो, वी ऑल्सो ओन अ सलोन, मेकअप स्टूडियो, एकेडमी, बट आई कैन नेवर फॉरगेट कि मेरे पास एक ऐसी ऑडियंस भी है जो मेरे साथ बहुत नॉर्मल टाइम में भी रही है, तो जब मेरा अच्छा टाइम है तो मैं उनको डेफिनेटली नहीं भूल सकती। मैंने बोला है लाइक लाइव सेशन होगा तो मतलब वी हैव टू डू इट, भले मुझे घर जाके लाइव सेशन भी करना पड़ता तो मैं वो भी करती, बट लाइव सेशन स्टॉप नहीं होता। मैं यूज कर रही हूँ ऑरेंज कलर का आई शेडो फ्रॉम द कार्निवल पैलेट। देखो अगर करने का जुनून हो और जज्बा हो ना तो आप कैसे भी कर लोगे, कैसे भी टाइम निकाल लोगे। जैसे अगर नवरात्रि में आप 5 बजे तक भी गरबा कर सकते हो तो ये चैलेंज के लिए तो सिर्फ आपको 1 घंटा ही निकालना है, तब आप सब भूल जाते हो, थकान, खाना पीना सब कुछ। तो जब लाइफ में जब चैलेंज आता है ना तो उसको एक्सेप्ट किया करो, वो करके दिखाया करो कि नहीं आई डू, मैं कर सकती हूं। आज का लाइव सेशन मेरे लिए चैलेंज ऐसा ही था सच में। एंड आरती भी बहुत दूर से आए, अहमदाबाद से आए हैं स्पेशली फॉर दिस लाइव सेशन। सो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ऑरेंज कलर का आई शेडो, बस एक सिंगल बहुत इजी आई मेकअप है, एकदम एफर्टलेस वाला आई मेकअप है, बट बहुत सुंदर लगेगा ब्राइड्स पे। मैम ये कौन सी आई शेडो पैलेट आप यूज कर रहे हो? मैं यूज कर रही हूँ कार्निवल आई शेडो पैलेट। मैम आपका सलोन कहाँ पर है? गोडोड रोड सूरत गुजरात। और गाइस जो भी ऑफलाइन क्लास के लिए पूछ रहे हैं तो कशिश मैम ने अभी बताया है कि 13 से 23 दिसंबर क्रेश कोर्स जो हमारा है, दिसंबर से दिसंबर ही आता है और ये सिर्फ लास्ट क्रेश कोर्स है, लेकिन इसके बाद कोई भी कोर्स नहीं आएगा। तो 13 से 23 दिसंबर 11 डेज का हमारा पूरा डिप्लोमा रहता है जिसमें आपका बेसिक टू एडवांस पूरा मेकअप कवर होगा, हेयर स्टाइल कवर होगी, साथ ही साथ स्किन का डीपली नॉलेज होगा। उसके बाद आपका पूरा सेलिब्रिटी मेकअप लुक रहेगा जो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट आके सिखाएंगे। 11 दिन का आपका स्टे और फूड की फैसिलिटी भी हमारी साइड से रहेगी और पूरा सोशल मीडिया और बिजनेस मैनेजमेंट भी इसके अंदर रहेगा आपका। मतलब 11 दिन में आप परफेक्ट होके जाओगे हमारे यहाँ से। और जिनको भी ये क्रेश कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, नीचे जो नंबर पिन किया गया है 7228996655, सिर्फ आप उस पर मैसेज कर दीजिए और मुंबई ऑफलाइन क्लास डिटेल्स लिख दीजिए, आपको हमारे यहाँ से सारी डिटेल्स कॉल करके आपको बता दी जाएगी। यस अब मैं ले रही हूँ हल्का सा मरून कलर का आई शेडो। किसी ने बोला कि मैम आप मेरे घर पे आके मुझे सिखाने का कितना प्राइस लोगे? बस ज्यादा नहीं, 10-15 करोड़। आप यहाँ आ जाओ यार, मैं घर पे आऊंगी, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं अभी लगा रही हूँ मरून कलर का आई शेडो। मैम ये कौन से पैलेट से ली आपने? सेम पैलेट से? कार्निवल पैलेट में से मेरी तरफ। मैम आपकी वजह से मुझे बहुत लोगों ने पूछा है, सबको मेरा मेकअप बहुत ही ज्यादा पसंद आया है और बहुत ऑर्डर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम। और थैंक यू, अपने आप को भी करो, आप लोग अगर चैलेंज में पार्टिसिपेट ही नहीं करते तो फिर कैसे क्या होता, राइट? मैम आपका वीडियो देख देख के मैंने पार्लर स्टार्ट कर दिया है। वाओ दैट्स सो ग्रेट। और जो हमारे यहाँ पे जो हमारा पूरा हमारी जो टीम है वो लोग भी ये 15 दिन के जो कशिश मैम ने चैलेंज दिया उसमें सारे लोग वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 9 बजे अभी टाइमिंग है, यानी कि वो 10-11 बजे वो घर पे जाते हैं और उसके बाद वो पूरा मेकअप करते हैं और पहले मेकअप करते हैं फिर खाना खाते हैं। हाँ, और कल तो एक जो हमारे यहाँ पे स्टाफ है उसने 1 बजे मेकअप स्टार्ट किया था, सुबह आके मुझे बताया, मैंने 7:30 तक मेकअप किया क्योंकि मैंने बीच में मिस हो गए थे तो मैंने सारे मेकअप की प्रैक्टिस कर ली 7 बजे तक। तो मेरा पूरा जो भी हमारे यहाँ पे स्टाफ है, मेरी टीम है, वो भी उन्होंने भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया है, नॉट टू विन द चैलेंज बट
बहुत अच्छा जरिया है अपने आप को मेकअप में प्रूव करने के लिए कि हमें कितना आता है। सबसे जरूरी क्या है ना, हमें कितना आता है। देखो सवाल तो मेकअप में हमेशा रहेंगे, मेकअप काला हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कभी अगर खुद से इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो शायद मिलने लगेगा, बट मिलने कब लगेगा, जब प्रैक्टिस शुरू करोगे तो ही पॉसिबल है। एंड गाइस जो भी स्टोरी रीपोस्ट करने की बात कर रहे हो, इतनी सारी स्टोरी आ रही है कि मैं तो फिर भी कर रही हूँ। कशिश मैम सबकी स्टोरी चेक कर रहे हैं। मैं स्टोरी और रील्स स्पेशली मैं सबकी रील्स बहुत ज्यादा चेक करती हूँ। कल मुझे रात को अराउंड रात के 3:30 बज गए थे, सभी की रील्स देखी है मैंने 3:30 बजे तक कि कौन किस तरीके से कर रहा है और किसकी काफी अगर रील्स में दिक्कत भी थी तो मैंने उन्हें मैसेज भी किया है कि आपके मेकअप में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इस चीज को सुधारो। सो ऐसा मत सोचिएगा कि हमारी नजर आप पे नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। तो हमने सिर्फ और सिर्फ 2 कलर से ये आई मेकअप किया है और आप लोग मुझे बताओ ये आई मेकअप कैसा लग रहा है। वी जस्ट यूज 2 कलर्स। ज्वेलरी मस्त है, यस ज्वेलरी आज की बहुत ज्यादा सुंदर है। एंड दिस ज्वेलरी इज बाय वन एंड ओनली बीसन दयाल। मैं यूज कर रही हूँ बेज कलर का आई शेडो इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कैनेडा, टाइम इन कैनेडा इज 6:28। थैंक यू सो मच, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। प्लीज गाइस स्टॉप इट, मैं थक गई यार। प्लीज इस पे कोई भी रील ना बनाए, मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। हेलो मैम, पागल होगी जस्ट लुकिंग अबाउ देख के सब। ओके, मेरा भी बहुत बड़ा सपना है मैम कि आपके जैसे मेकअप आर्टिस्ट बनूं। लव यू मैम, थैंक यू सो मच। सेम मैं लोअर लैश लाइन पे करने वाली हूँ। मैं ले रही हूँ मरून कलर का आई शेडो आउटर कॉर्नर पे। मैम ब्रश का नाम बता दीजिए। ये वाला तो बेली का ब्रश है। मेरे पास सब मिक्स में है ब्रशेस, मैं कोई पर्टिकुलर वन ब्रांड यूज नहीं करती हूँ। सब एक ही मैसेज कर रहे, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। थैंक यू सो मच। वाव मैम ब्यूटीफुल आई मेकअप इज सुपर। आई मेकअप में ना इट्स ऑल अबाउट कलर्स, कि आप कलर्स अगर जान जाओगे ना कि कैसे यूज करना है तो आप फिर मास्टर ऑफ आई मेकअप बन सकते हो। यू कैन बी अ मास्टर ऑफ आई मेकअप अगर आपने कलर में एक्सपर्टीज कर दी। कलर में एक्सपर्टीज करने का मतलब ये नहीं कि कलर व्हील जान गए आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये बोलना गलत होगा कि अगर हमें कलर व्हील आ जाए तो हम आई मेकअप करना सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। कलर व्हील के बाद भी आपको आपका बहुत ज्यादा माइंड यूज करना पड़ेगा कि कौन सा कलर किस जगह पे अच्छा लगेगा। आगे मैंने लिया ऑरेंज कलर, सो पूरा ऑरेंज एंड मरून आई शेडो। कितने सुंदर लग रहा है दोनों कॉम्बिनेशन साथ में। मैम ग्लोबल लैश में शेडो फॉल हो जाती है, ऐसा क्यों मैम? ऐसा होने का बड़ा रीजन है कि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अगर ब्रश में लोगे तो जो आई शेडो है वो नीचे गिरेगा। सो बहुत कम प्रोडक्ट लो और धीरे धीरे बिल्डअप करो। ये मैं यूज कर रही हूँ कार्निवल का आई शेडो पैलेट। ऐसे बहुत सारे इजी आई मेकअप आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे जो आप आराम से किसी भी जब फंक्शन वगैरह में जाना है तो वो आप आई मेकअप कर सकते हैं। अब हम लगाएंगे आई लाइनर। आईलाइनर कौन सा लगा है, सिंपल या विंग? सिंपल लाइनर लगाए या विंग लाइनर, आप लोग मुझे बताइए। और आईलाइनर के बाद एक बहुत अच्छी चीज, एक ट्रिक भी बताऊंगी कि अगर आप आपका बेसिक आई शेडो एडवांस बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। गाइज अभी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी बाकी है तो अभी ज्वाइन रहिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है मेकअप में भी। लिपस्टिक बाकी है, लाइनर बाकी है, टचअप बाकी है,
और जब इस तरीके के मेकअप लुक्स हम करते हैं तो लिपस्टिक में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन से कलर का लिपस्टिक हमें लगाना चाहिए। आप में से काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन शायद होता होगा कि कौन से कलर का लिपस्टिक अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं और बहुत सारे सिंपल भी बोल रहे हैं। मेरा दिल तो कुछ और ही बोल रहा है, देखते हैं। मैं ले रही हूँ इंगलॉट का जेल आईलाइनर। आई एम टेकिंग इंगलॉट जेल आईलाइनर। किसी ने कहा मैं दोनों कर दूँ। हाँ, एक आंख पे सिंपल कर देते हैं और एक आंख में विंग कर देते हैं। मॉडल का स्किन केयर बताइए अपने। उनके प्रोफाइल में आप जाके देखना, वो उनके प्रोफाइल में बता सकते हैं शायद आपको। कल आ जाना लाइए। किंजू जी पूछ बोल रहे कि हेलो आरती कैसे हो। सिंपल, मैंने हल्का सा स्मज वे में विंग दिया है। ये मेकअप को फैन शेड बोल सकते हैं क्या मैम? आपको जो नाम देना है दे सकते हो, आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो। मैंने हल्का सा विंग दिया है सिर्फ शेडिंग देके बस। अब इस जेल लाइनर को लॉक करूंगी यूजिंग लिक्विड लाइनर, क्योंकि अगर आप जेल लाइनर को लॉक नहीं करेंगे तो पूरा जेल लाइनर स्मज हो सकता है। फिर मैं इसे कर रही हूँ लॉक। मेरी तरफ मैम लाइनर ब्रांड का नेम, मैंने इंगलॉट का जेल लाइनर लगाया पहले और अब मैं कलर बार का लिक्विड लाइनर लेके उसे लॉक कर रही हूँ। सो उससे इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा और ये दिखेगा भी बहुत अच्छा। सेम हम दूसरी तरफ फॉलो करेंगे। लिपस्टिक काफी सारे लोग बोल रहे हैं डार्क लगाओ, काफी सारे लोग बोल रहे हैं लाइट लगाओ। आई एम नॉट श्योर मुझे कौन सी शेड की लिपस्टिक लगानी चाहिए, बट वो आईलाइनर के बाद मैं सोचूंगी कि क्या करना है। मैम मेरी 2 मंथ की बेबी आपका लाइव देखकर बहुत खुश हो रही है। थैंक यू सो मच। लुकिंग ब्यूटीफुल आई मेकअप। थैंक यू सो मच। सेम हम इस तरफ भी करेंगे। सबसे फर्स्ट जेल लाइनर। बोल रहे 15 डेज मेकअप में डस्की स्किन मेकअप भी चैलेंज में कीजिए। ये क्या है, क्या है ये? आप मेरे को लग रहा है आपने लेट ज्वाइन किया है तो इसकी वजह से आपको नहीं आइडिया। वेल, अगर आप मेकअप में ना सब कुछ सीखना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास हमारा बना है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो यू कैन ज्वाइन ऑफलाइन कोर्स जिसमें आप डिटेल में ना सारी चीजें सीखेंगे। डिटेल मतलब एकदम डिटेल। सोचो अगर लाइव सेशन में इतना ज्यादा डिटेलिंग करती हूँ तो हमारा ऑफलाइन क्लास कैसा होगा। जस्ट थिंक गाइस, ऑफलाइन क्लास ऐसा होगा कि मैं नॉर्मली कोई भी चीज अगर होती है मैं फ्रेंकली स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ सब कुछ। फीस के लिए जो भी पूछ रहे तो आपको ये जो नीचे नंबर पिन किए गए जैसे कश्मीर ने पहले ही बोला था 7228996655 आप उस पर सिर्फ मैसेज कर दीजिए और इतना सा लिख दीजिए मुंबई ऑफलाइन क्लास, आपको हमारी टीम से कॉल आ जाएगा और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैम डार्क लिपस्टिक लगाइएगा, मरून रेड मरून तो आप लोग यार एनी टाइम लगा सकते हो, क्योंकि डार्क लिपस्टिक लगाने से क्या होता है पूरे फेस का जो अटेंशन है वो लिपस्टिक लेके चली जाती है। फिर हमने आई मेकअप में इतनी मेहनत की है तो मैं सारा अटेंशन लिपस्टिक को कैसे लेने दूं। गाइस कशिश मैम की जो एकेडमी है वो सूरत गुजरात में है, उनका एकेडमी पूरा इंस्टीट्यूट है जिसमें पूरा स्किन का ट्रेनिंग होता है, नेल आर्ट का होता है, हेयर केमिकल वर्क सिखाया जाता है और पूरा हेयरडू वगैरह सबकी क्लासे होती है। लेकिन जो मेकअप की क्लास होती है सिर्फ साल में एक बार हमारी मुंबई में होती है जो इस बार आ रही है 13 दिसंबर को। नेक्स्ट मैं हल्का सा काजल यूज कर रही हूँ शॉपरेल का बेज कलर। ये है शॉपरेल का बेज कलर का काजल। आप लोग मुझे जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये आई मेकअप कैसा लगा।
और कितना ज्यादा इजी है। चैलेंज वालों ने तो आज लाइव देख ही कर लिया होगा। हाँ मेरे को लग रहा है काफी सारे लोगों ने तो शायद लाइव देख के ही मेकअप कर लिया होगा। आप ऐसे कितने लोग मेरे साथ साथ मेकअप कर रहे हो? आप में से कितने लोग मेरे साथ साथ मेकअप कर रहे हो? सूरत में भी डियर मेकअप का कोर्स होता है, जल्दी हमारा सूरत में जो मेकअप कोर्स होने वाला है वो भी हम लॉन्च करेंगे, बट फिलहाल हमारा मुंबई में है जो कि 13 दिसंबर को होने वाला है और उसकी काफी ज्यादा बुकिंग हो चुकी है, सिर्फ कुछ ही बुकिंग बाकी रह गई है। तो दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो बुकिंग करवाने के लिए। बहुत सुंदर, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अब मैं लाइव देख कर किया है। वाओ, आई विल वेट फॉर द स्टोरीज, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज सभी डालना। और चैलेंज का पहला ही रूल है कि आपको वीडियो को शेयर करना है, सो जिन्होंने अभी तक भी शेयर नहीं किया है वो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही मस्त, बहुत मस्त, राजस्थानी ब्राइट लग रही है एकदम। यस, ये राजस्थान से ही है, रहते हैं अहमदाबाद है, तो मैंने सोचा कि बहुत टाइम से राजस्थानी कुछ ऐसा लुक नहीं किया है तो आज करते हैं। नाइस मेकअप। सो मैं हल्का सा मस्कारा लगा रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हम वैसे भी लैशेस लगाने वाले हैं। आप चाहो तो इस आई मेकअप पे थोड़ा सा शिमर भी लगा सकते हो, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है शिमर लगाने का, क्योंकि वो आप लोग सब वैसे भी कर सकते हो, खुद से भी लगा सकते हो शिमर, राइट? मुझे लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं यूज कर रही हूँ एनएक्स कॉस्मेटिक लैशेस नंबर 1। सीजर दे दो। क्लास मुंबई महाराष्ट्र, लोकेशन है लेवल स्ट्रीट। क्लास हमारी मुंबई महाराष्ट्र में है, लोकेशन है लेवल्स रिसोर्ट, एक रिसोर्ट में क्लास होती है और 11 दिन आपको हमारे साथ ही रहना है, मतलब पूरे दिन। और हमारे क्लास में एवरीडे प्रैक्टिस कंपलसरी है, अगर आपका प्रैक्टिस एक भी दिन छूटता है तो आप दूसरे दिन क्लास में नहीं आ सकते, ये पनिशमेंट होगी। तो हमारी क्लास स्कूल जैसी क्लास वाली फीलिंग आएगी आपको, जैसे आप स्कूल में आए हो। मैम आप जूनागढ़ कब आओगे? मैंने आपका सेमिनार जूनागढ़ में अटेंड किया था। जूनागढ़ अभी कोई भी प्लान नहीं है मैम, अभी भी हम आएंगे आपको हमारी स्टोरी से पता चल जाएगा। मैं नहीं, क्या उनकी क्लास है, 11 डेज की क्लास है, 13 से 23 दिसंबर। नहीं अभी तो राजस्थान और कहीं पे भी प्लान नहीं है कोई भी क्लास का, सिर्फ ये दिसंबर की लास्ट क्लास है। क्रैश कोर्स जो है 13 दिसंबर को लास्ट हमारा है ये साल का कोर्स। मैम आपकी मैंने लाइव स्टोरी देखी है, सेम मेरी भी वैसी ही जर्नी है, मुझे देखकर रोना आ गया, आपकी तरह मैं भी बहुत सक्सेस होना चाहती हूँ। अभी तो बहुत सक्सेस होना बाकी है, बहुत कुछ काम करना बाकी है, बस आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं जो भी चाह रही हूँ वो जल्दी मैं पूरा करूंगी। तो यहाँ पे लैशेस हमारी डन हो गई है, अब आता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो की है लिपस्टिक। हम लिपस्टिक क्या लगाएं? सबसे पहले मैं ना बॉर्डर बना देती हूँ, और मेरा तो एक ही सिंपल सा टेक्निक है, मैं बॉर्डर बनाती हूँ आई शेडो से। मैं यूज कर रही हूँ मरून कलर का आई शेडो। निकाल दो फाउंडेशन। ओके खोलो। मैं 4 मंथ की बेटी को अपनी गोद में लेके मेकअप करती हूँ, क्योंकि मैंने आपका मेकअप चैलेंज एक्सेप्ट किया है और मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। क्या नेम है इनका? उनका नेम आपको बता देती हूँ। आई सल्यूट यू उर्वशी। अच्छा कर रहे हो। उर्वशी जी नाम है उनका। देखो सिचुएशन में सॉल्यूशन ढूंढना आपके हाथ में ही है, जो आपने बखूबी किया। मैं यहाँ पे बना रही हूँ मरून कलर का बॉर्डर, मरून कलर का बॉर्डर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। हेलो मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। मरून बॉर्डर, आप लोग चाहो तो डार्क लिपस्टिक लगा सकते हो, बट मैं बहुत ज्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, मैं 2 शेड मिक्स करूंगी, क्योंकि मिक्स मैच करने के बाद जो लिपस्टिक का शेड आता है वो बहुत सुंदर लगता है।
जिसे भी ज्वाइन करनी है बिना सेकंड थॉट के ज्वाइन कर लो, चेंज हो जाएगी पीके मेकअप स्टूडियो से बेस्ट कोई एकेडमी नहीं है एंड प्रिया मैम एंड कशिश मैम से बेस्ट टीचर और कोई नहीं है, प्लीज ज्वाइन द ऑफलाइन क्लास। कौन है? थैंक यू सो मच। मैं माय मेकअप बहुत ही प्यारा लग रहा है और इजी भी लग रहा है, ऐसा भी बोलो। आप लोग सब कर भी सकते हो आराम से, बहुत इजी आई मेकअप है। मैं मेरा एक हाथ नहीं है फिर भी मैं मेकअप करती हूँ। दैट्स सो गुड, बहुत अच्छा करोगे आप आगे। बेड रेस्ट पर हूँ। फिर भी मेकअप करती हूँ, 2 मंथ का बेबी है। ओह माय गॉड, ये तो चैलेंज है जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं सब। आप लोग सच में बहुत 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 अच्छे से काम कर रहे हो। बहुत ही ज्यादा इजी है आफ्टर डूइंग 7 डेज चैलेंज। बिल्कुल 100%। मैं यूज करी हूँ हुदा ब्यूटी का लिपस्टिक शेड ट्रेंडसेटर्स हल्का सा, क्योंकि अगर मैं डार्क लिपस्टिक इनको लगाऊंगी तो सारा अटेंशन इनकी आंखों से हटके लिपस्टिक पे चला जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि हमने आई मेकअप में बहुत मेहनत की है, राइट? हमने लेंस लगाए, हमने लैशेस लगाए, और फिर अगर सारा अटेंशन लिपस्टिक लेके चली जाएगी तो फिर कैसे चलेगा। इस वजह से मुझे न्यूड लिपस्टिक पसंद है, बिकॉज मेरा स्पेशली मुझे जाना जाता है आई मेकअप के लिए, तो मुझे जो लिप्स है वो न्यूट्रल रखना अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में यूट्यूब पे डार्क लिपस्टिक भी बताई है, तो आप वहां पे जाके अगर आपको डार्क लिपस्टिक्स खरीदनी है तो वो वीडियोस आप चेक करिएगा। सही है, जिसने भी कमेंट्स किया है सच बता रहे हैं, प्रिया एंड कशिश मैम बेस्ट टीचर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है ऑफलाइन क्लास में, बहुत मजा आया। आसमा मेकअप स्टूडियो, आसमा आलिया जी, ए एस मेकअप स्टूडियो, थैंक यू सो मच आलिया जी। देखिए न्यूड लिपस्टिक बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। अब मैं थोड़ा सा मरून को इंक्रीज करूंगी, जिससे काफी सारे लोगों की विश थी कि मैं डार्क लगाऊं, तो जब मैं मरून बॉर्डर डार्क लगाऊंगी तो ये और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। सी मैम, हाउ यू हैव इंस्पायर्ड सो मेनी वुमेन टू ब्रेक देयर बैरियर्स एंड गो अहेड इन लाइफ, यू आर एन इंस्पिरेशन टू ऑल। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक जन ने पूछा था कि एसडी मेकअप से और कौन सा मेकअप अच्छा होता है ब्राइडल के लिए? फाइडी मेकअप। अब डोंट आस्क मी फाइडी मेकअप क्या होता है, सभी मेकअप अच्छे हैं, मेकअप आर्टिस्ट अच्छा होगा तो सब अच्छा ही करेगा वो। मैम आपके सिखाने का तरीका बहुत ही प्यारा है, प्यारा होता है। गाइज, अगर मेकअप में और कुछ आगे बनना चाहते हो तो प्रॉपर मेकअप का कोर्स करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी की गाइडेंस लोगे तो आप और भी आगे बढ़ सकते हो। इसी के लिए आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। डेट 13-23 दिसंबर मुंबई महाराष्ट्र लेवल्स रिसोर्ट में क्लास होने वाली है। मेकअप, हेयर स्टाइल, सोशल मीडिया, सेलिब्रिटी मेकअप नॉलेज, बिजनेस नॉलेज, योर स्टे, योर फूड, सब कुछ हमारे पे छोड़ दो। मेघा जी, आपकी ऑफलाइन क्लास की बुकिंग हो गई है, आप टेंशन मत लीजिए, आपका मैंने बुक कर दिया है। सो ये हमारा डार्क प्लस लाइट वाला काम हो चुका है। गाइज, जो भी प्राइस के लिए पूछ रहे हैं आप सिर्फ मैसेज कर दीजिए नीचे जो पिन किए गए नंबर पर, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा मुंबई ऑफलाइन क्लास का। हाय मैम, आई एम फ्रॉम आसाम, मैं आपकी वीडियो बहुत देखती हूँ, बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। थैंक यू डियर, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। और ये मेकअप आपको आज का कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है जो मीना खान और जो भी बहुत बड़े बड़े
सेलिब्रिटी है उनका मेकअप करते हैं, सचिन सालवी सर। अब आप लोग मुझे बताओ कौन सी नथ अच्छी लग रही है, ये वाली या फिर ये वाली? आई थिंक ये वाली ना। दिस इज लुकिंग वेरी प्रिटी। आप लोग बताओ मुझे आप लोगों को कौन सी अच्छी लग रही है, ये छोटी वाली या ये बड़ी वाली? बड़ी वाली। एक मिनट कमेंट्स हो रहे हैं। चलो यहाँ पे वोट्स तो आ रहे हैं, बट आप लोग मुझे बताओ। मुझे तो बड़ी वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। सेम टू यू नम्रता जी, बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू वैष्णवी। किसी ने कहा थैंक यू सो मच मैम, डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, मेरे दोस्त बोलते हैं कि तुम थोड़ी जीत पाओगी, तो मैं उनको बोलती हूँ कि जीतने के लिए नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन कोशिश भी ना करूँ ये तो गलत बात है। वाह, मेरे यहाँ से सभी टीम मेंबर्स कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट्स कर रहे हैं मेरे तरफ। काफी लोग ये चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये चैलेंज इतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा, बट आप लोगों ने करके दिखाया है। रिजल्ट्स 10 नवंबर को है, मैं खुद भी रिजल्ट्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे तो मैं ही निकालने वाली हूँ रिजल्ट्स, बट स्टिल दुपट्टा थोड़ा लूज करो। ये कुछ एक नया मेकअप लुक हुआ है काफी टाइम के बाद, नो ग्लिटर नथिंग, प्योरली आई मेकअप। थोड़ी सी लूज कर लेती हूँ। अब जिसके बिना ब्राइड अधूरी है वो हम लगा लेते हैं, विच इज दुपट्टा। इसके बिना तो ब्राइडल मेकअप कुछ भी नहीं है। यू कैन यूज योर हैंड यूजिंग। सो अब आप लोग मुझे बताइए हाउ इट इज लुकिंग। दिस ब्यूटिफुल आउटफिट इज बाय अमृत। आप जब इस फुल आउटफिट की पिक्चर देखोगे आप लोग फिदा हो जाओगे, इतना ज्यादा सुंदर और यूनिक ये आउटफिट है। सो कॉमेंट बिलो एंड लेट मी नो आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा, आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। बिंदी नीचे लगाऊंगी तो फिर मारवाड़ी वाला लुक नहीं आएगा, बिंदी नीचे नहीं लगा पाऊंगी। कमेंट बिलो एंड लेट मी नो आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। थैंक यू काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। थोड़ा सा और जूम में भी देख लो। ज्वेलरी इज बाय बी संध्याल एंड द ब्यूटिफुल आउटफिट इज बाय अमृत सूरत। सुपर मैम थैंक यू एवरीबडी एंड दिस इज योर डे 9 ऑफ पीके 15 डेज मेकअप चैलेंज। जल्दी से लग जाइए अपनी मेकअप एनर्जीज के साथ, बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल। थैंक यू एवरी वन, थैंक यू वेरी ब्यूटिफुल। थैंक यू एंड दिस इज रियली वेरी इजी लुक टू डू, यू कैन इवन डू इट ऑन ब्राइड्स, ऑन द साइडर्स, एनी वन। थैंक यू, सुपर। थैंक यू सो मच। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियो एंड जल्दी मिलूंगी आप लोगों से इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। तब तक के लिए आप मेरी पोस्ट और स्टोरीज इंजॉय करिए। थैंक यू एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे 9। बाय बाय, टेक केयर।